गाइज बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस पूछा था रिगार्डिंग सैमसंग कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शंस। तो आज के इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली कॉलर आईडी। तो आज अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप आपके फ़ोन में फर्स्टली इसको इनेबल करेंगे। सो कॉलर आईडी स्पैम प्रोटेक्शन इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा आपके डायलर पैड के बाद आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शन का ऑप्शन से उसको इनेबल करना होगा। जैसे मैं इस पर टैप करके रखता हूँ कुछ देर के लिए, तो यहाँ पर एक टैप खुल जाता है जिसके इसमें लिखा है कि अगर कोई कॉन्टैक्ट्स आपके नंबर में सेव, मोबाइल में कोई नंबर का कॉन्टैक्ट सेव नहीं है विद नेम, तो ये आपको आइडेंटिफाई कराएगा विद कॉन्टैक्ट के इमेज और उसके साथ उसके नेम के थ्रू। तो यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन है, आपका नंबर से या आपका नेम भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल बहुत बार होता क्या है, प्रोटेक्शन ऑन रहना इम्पॉर्टेंट है। इस सर्विस को आप स्टॉप भी कर सकते हैं, बट बहुत सारे फ़ोन हैं जिन्होंने ये सर्विस ऑलरेडी स्टॉप रहती है, तो आपको इसको ऑन करना पड़ता है। तो यहाँ पर कॉलर आई डी एंड स्पैम प्रोटेक्शन में जाके मैं इसको इनेबल कर रहा हूँ। इनेबल करने के बाद ऑल कर रहा हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पे आप इसको ऑन कर सकते हैं शेयर नेम एंड नंबर्स। तो यहाँ पे आप आपका नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं विद पीपल्स, बट यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को ऑफ रख रहा हूँ। सो होप आपको बेसिक पता चल गया कि किस तरह से कॉलर आईडी स्पैम प्रोटेक्शन सेट करते हैं आपके फ़ोन में। गाइस थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।